है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन सैचुरेटेड कैसे हो सकता है? यस, साइक्लोएल्केन सैचुरेटेड है। इसमें क्या है, साइकिल होती है, ठीक है, बट उसके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, जैसे कि ये, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। समझ में आ गया? तो बेसिकली अगर आप साइक्लोएल्केन चाहिए तो एन की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, तीन। तीन से कम में तो साइकिल बना ही नहीं सकते हो आप। क्या एन की वैल्यू तीन से कम होगी तो आप साइकिल बना सकते हो? नहीं, यू कांट मेक इट। तो यहां पर इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। साइक्लोएल्केन का जनरलाइज फॉर्मूला होता है CnH2n। मजेदार बात है, आप ट्राई करके देखो। जैसे कि मान लो कि आपने यहां पर है ना साइक्लोप्रोपेन बनाया, तो अब साइक्लोप्रोपेन में क्या हो गया, तीन कार्बन होंगे। ये किसी को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन देखो साइक्लोप्रोपेन में तीन कार्बन होंगे। अब इस कार्बन ने दो वैलेंसी तो पूरी कर रखी है, दो ही बाकी है, तो दो हाइड्रोजन लगाओगे, यहां भी दो हाइड्रोजन लगाओगे, यहां भी दो हाइड्रोजन लगाओगे, तो बताओ कार्बन कितने हैं, तीन, हाइड्रोजन कितने हैं, छह। तो फॉर्मूला मैच कर रहा है ना, CnH2n। सो CnH2n इज अ फॉर्मूला फॉर साइक्लोएल्केन्स। समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना है, जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और ये CnH2n फॉर्मूला एल्कीन्स का भी होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइक्लोएल्केन एंड एल्कीन दोनों के जनरल फॉर्मूला सेम होते हैं। समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना, नाउ दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Is this clear? चलो, तो फाइनली इसका फॉर्मुला होता है CnH2n, जो कि साइक्लिक होते हैं, पर ये एल्केन्स है क्योंकि यहाँ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये आपको ध्यान रखना है।